कहते हैं कि आदतों का हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आदतें हमें अच्छा बनाती है, आदतें हमें बुरा बनाती है, आदतें हमें गरीब बनाती है, आदतें हमें अमीर करोड़पति सब कुछ बना सकती है। सो जब आदतें इतना बड़ा रोल प्ले करती है तो क्यों ना आज हम मिलियन डॉलर हैबिट्स के बारे में बात करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की समरी को, मिलियन डॉलर हैबिट्स, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। तो इस समरी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले, क्या आप भी मिलेनियर बनने का सपना देखते हैं? अगर आपका जवाब है कि हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तो ये समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि मिलेनियर बनने का सपना कोई बेकार का या होपलेस ड्रीम नहीं है। ये कोई ऐसा सपना नहीं है जो सच ना हो सके, क्योंकि आपसे पहले भी कई लोगों ने ऐसे सपने देखे थे और वो लोग भी आपकी तरह गरीब थे या कम पढ़े लिखे थे, उनके पास कोई खास स्किल भी नहीं थी, मगर इन सब के बावजूद वो सारे चैलेंजेस को पार करके सक्सेसफुल बने। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है कि नहीं की, आपको इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं आती है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत है तो बस इस बात की कि आप मिलेनियर्स लोगों की हैबिट्स को सीख लीजिए। आप भी वही कीजिए जो इन सभी लोगों ने किया। दरअसल सक्सेसफुल लोगों की कुछ अच्छी आदतें होती है, जबकि अनसक्सेसफुल लोगों के पास बैड हैबिट्स होती है, यानी कि बुरी आदतें। तो ये समरी आपको उन सारी अच्छी आदतों के बारे में सिखाएगी जिन्हें प्रैक्टिस करके आप भी एक मिलेनियर बनकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं, यू आर वॉट यू डू, यानी कि आप जो करते हैं आप वही हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपको मोस्ट सक्सेसफुल लगते हैं। ऐसा क्या है उनमें जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है? उनकी कौन सी खास हैबिट है जो उन्हें आपसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है? आप जहाँ पहले थे आज भी वही हैं, और इसकी वजह सच मानिए आप खुद ही है। आपका प्रेजेंट टाइम, यानी आपका जो भी आज का सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है, वो आपके एक्शंस, आपकी चॉइस और आपके डिसीजंस की वजह से है जो आपने खुद चूज किए हैं, और यही डिसीजंस आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेंगे। तो अब अगर आप भी सक्सेसफुल बनने का सपना देख रहे हैं तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है, यकीन मानिए आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। ये और बात है कि अगर आप खुद के लिए लिमिट समझ लो तो फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप खुद अपनी सक्सेस पर कंट्रोल कर सकते हो। सब कुछ आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है, जो आज से आप अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले हो। आपकी डेली लाइफ के 95% काम ऐसे है जो आपकी हैबिट्स है, और सक्सेसफुल लोग सक्सेस हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं, रोज उन्हें रिपीट करते हैं। यही चीज तो उन्हें औरों से अलग बनाती है। तो आपको भी इन्हीं सक्सेस हैबिट से शुरुआत करनी है। ये भी ध्यान रखिए कि हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतों को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। उन्होंने इस बुक के सारे 110 रूल्स, यानी कि 110 नियमों को अपनी छोटी सी नोटबुक में लिख करके रख लिए थे। तो हर रोज वो उन रूल्स को पढ़ते और एक एक करके उनकी प्रैक्टिस करते थे। इस बुक की वजह से उनके अंदर अच्छी आदतें डेवलप होना शुरू हुई, और इस तरह अपनी टीनेज की उम्र से ही उन्होंने इन नियमों की, इन रूल्स की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। फिर जब बड़े होकर के वो पॉलिटिक्स में गए, तब तक गुड बिहेवियर्स उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुके थे। इन अच्छी आदतों को अप्लाई करने में उन्हें जरा भी मुश्किल नहीं होती थी। तो इसीलिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए और रिपीट कीजिए, फिर आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली अच्छी आदतें आ जाएगी और बुरी आदतें आपको छू भी नहीं पाएगी। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं कि आपकी हैबिट्स आती कहाँ से है, वेयर योर हैबिट्स कम फ्रॉम। आइए जानते हैं। इंसान के ब्रेन के अंदर 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, और इनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी के 20,000 न्यूरॉन्स से कनेक्टेड रहते हैं, और हम लोग अपनी डेली लाइफ में इन न्यूरॉन्स का एक छोटा फ्रैक्शन ही यूज करते हैं। तो जरा इमेजिन कीजिए कि आपके पास अभी इस वक्त ब्रेन की कितनी पोटेंशियल है जो आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग करते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा करते हैं। इसीलिए आलस को छोड़ दीजिए, मीडियोकर और बिटरनेस की आदत को छोड़ दीजिए, यानी कि कड़वाहट को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है, आप लाइफ में मनचाहा चेंज ला सकते हैं। आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते हैं, ज्यादातर आपके माइंड में क्या चलता रहता है, ये बात समझ लीजिए कि आपके विचार ही आपकी किस्मत को बदल सकते हैं।
आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके बारे में आप अक्सर सोचते रहते हैं। जैसे कि अगर आप हमेशा पैसे और सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो आपको ऐसे मौके मिलते रहेंगे जो आपको पैसा कमाने का मौका देंगे। इसके उलट अगर कोई हमेशा एक्सीडेंट या बीमारी के बारे में सोचेगा या हमेशा परेशान रहेगा तो वो उसकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अपने विचारों पर कंट्रोल रखिए, नेगेटिव थॉट्स को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस और रिपीटेशन से आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचेगा और आप पहले से ज्यादा खुश और सक्सेसफुल फील करेंगे। तो इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस किताब के थ्रू अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। उनकी फैमिली भी ना काफी ज्यादा गरीब थी, उनके फादर के पास कोई स्टेबल जॉब नहीं थी, इसलिए ब्रायन को 10 साल की उम्र से काम करना पड़ा। उन्होंने अपनी नेबरहुड में कई टाइप की छोटी मोटी जॉब्स की। उन्होंने पड़ोसियों के लॉन की घास काटी, सूखे पत्ते उठाए और न्यूज़पेपर्स भी डिलीवर किए। उन्होंने अपने दो वक्त के खाने और कपड़े का खर्चा खुद ही उठाया। फिर जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम किया। वहां पर बर्तन घिसते घिसते हुए ब्रायन खुद को बड़ा लकी मानते थे। ब्रायन को पैसे की इम्पोर्टेंस छोटी उम्र में ही समझ में आ गई थी, इसीलिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई को ड्रॉप करके पैसा कमाने का डिसीजन लिया। उन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया। उन्होंने बड़े बड़े फर्म्स में भी काम किया। तो इस तरीके से 20 साल की उम्र में वो एक सेल्समैन बने। ब्रायन घरों और ऑफिसेज में जाकर के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते थे। उनकी हालत ये थी कि वो अपने दो वक्त के खाने के लिए भी सेल पर डिपेंड थे। एक रात जब वो अपने बोर्डिंग हाउस में आराम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते। तो अगली सुबह ब्रायन ने एक ऐसी हैबिट शुरू की जिसने उनकी जिंदगी को ही चेंज कर डाला, और ये हैबिट थी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को लर्न करना और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करना। तो एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी कंपनी के एक सेल्स एजेंट का नंबर मांगा। आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो जो लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, ब्रायन ने पूछा। तो उस एजेंट ने उन्हें अपना एक सीक्रेट बताया जिसे ब्रायन ने भी अपने कस्टमर्स के साथ ट्राई किया, और फिर उसके कस्टमर्स भी उसके सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने लगे। ब्रायन ने सेलिंग से जुड़ी हुई काफी सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी। इसके अलावा ब्रायन सेल्स सेमिनार में भी जाते थे और सेल्स के ऑडियो लेक्चर्स को भी सुनते थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे वो तुरंत अप्लाई करते थे, और इस न्यू हैबिट की वजह से ब्रायन काफी सेल्स करने लगे थे। उनका प्रमोशन भी हुआ, अब वो सेल्स मैनेजर बन गए थे, और ब्रायन ने जो कुछ सीखा था अपने टीम मेंबर्स के साथ ये सारी बातें उन्होंने शेयर की और उन लोगों को भी इम्प्रूव करने में मदद की। तो इसी लर्निंग के साथ अब आगे बात करते हैं द मास्टर प्रोग्राम ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस का मास्टर प्रोग्राम क्या है, आइए जानते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। हर रोज हर मिनट सक्सेसफुल लोग उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वो चाहते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक ले जाए। जबकि अनसक्सेसफुल लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं, उन्हें हमेशा यही लगता है कि जो उन्हें चाहिए उन्हें मिल नहीं पाता। शॉर्ट में बोले तो अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या बनना है, चॉइस आपकी है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे थॉट्स कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप हर साल $50,000 कमाने का गोल रखते हैं। आप सारा टाइम यही सोचते हो कि ये अमाउंट आप कैसे कमाएंगे। आप खुद को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, फिर चाहे आपके ऑफिस में कुछ भी हो या इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, आप वो $50,000 पैसे कमा के रहेंगे। अब अगर आप $1,00,000 का गोल रखते हो तो कैसा रहेगा, आप किसी भी तरीके से ये पैसा कमाना चाहेंगे। अब अगर मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है तो आप कोई नई जॉब ढूंढ लेंगे या बिजनेस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से वो $1,00,000 अर्न करने हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो सकती है। तो अपने सबसे बड़े ड्रीम के बारे में सोचिए और उसी को अपना गोल बना लीजिए। बस ये सोचिए कि आप अपना गोल कैसे अचीव करेंगे। आपकी सक्सेस का यही मास्टर प्रोग्राम है। सक्सेस की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो हैबिट है जो आपसे वो करवाती है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। जैसे कोई मसल्स प्रैक्टिस से स्ट्रांग बन जाती है, वैसे ही प्रैक्टिस से सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट भी स्ट्रांग बनती है। और आपके अंदर जितना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आएगा उतनी ही आपकी लाइफ बेहतर बनेगी।
तो इस एग्जाम्पल से ये सबक लेते हुए अब आगे बात करते हैं द हैबिट्स ऑफ पीपल हु बिकम मिलेनियर्स, यानी कि लोगों की वो हैबिट्स, वो आदतें जो उन्हें मिलेनियर्स बनाती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी आदतें। आप अपने करियर में खूब पैसा कमाने के लिए जो कर सकते हैं कीजिए, और अगर आप अच्छी आदतों को, गुड हैबिट्स को फॉलो करते हो तो एक दिन आप मिलेनियर्स जरूर बनोगे। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं उन्हें सक्सेसफुल होने के बेशुमार मौके मिलते हैं। 1990 में यानी कि 1990 में सिर्फ 5,000 के करीब अमेरिकन लोग मिलेनियर्स हुआ करते थे, और सन 2000 में यानी कि 2000 में 5,00,000 अमेरिकन मिलेनियर्स हुए। तो इनमें कई सारे तो मल्टी मिलेनियर और बिलेनियर्स थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि ये सबके सब अपने दम पर अमीर बने थे। इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कुछ तो अच्छे पढ़े लिखे हैं और कुछ काफी गरीब थे जिनके पास मामूली एजुकेशन थी। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अडॉप्ट यानी गोद लिए गए थे। इन लोगों में काफी ऐसे माइग्रेंट भी शामिल थे जो खाली हाथ अमेरिका काम की तलाश में आए थे। बिना किसी हेल्प या किसी स्पेशल स्किल्स के इन लोगों ने काफी स्ट्रगल किया। इवन इन्हें ठीक से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी, और बावजूद इसके इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी इम्प्रूवमेंट की है, इतना कुछ अचीव किया, क्योंकि इन्होंने गुड हैबिट्स की यानी कि अच्छी आदतों की प्रैक्टिस की। एक बार नहीं बल्कि बार बार, और फाइनली सक्सेसफुल होकर दिखाया। तो एक ऐसी ही गुड हैबिट है जो आप शुरू कर सकते हैं, वो है सेविंग। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसान हैबिट्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सामने जैसी भी कंडीशन हो, हम लोग उसी हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे कि आप अपनी हर महीने की सैलरी का 1% बचाते हो तो आपको बाकी के 99% सैलरी से गुजारा करने की आदत हो जाएगी। आपको इसमें जरा भी मुश्किल नहीं होगी। मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी हर महीने $2,000 है तो उसका 20% सेविंग आपको करनी है। इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ। बाकी के $1,980 से आपको खर्चा चलाना होगा। एक सेविंग अकाउंट खोल लीजिए या कोई पिगी बैंक बना लीजिए, और अपनी सेविंग के पैसे आप उसमें डालते रहिए। जब आप सेविंग करते हो तो उस पैसे को एकदम भूल जाइए, इसे अपने बजट में शामिल ही ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस पैसे को खर्च मत करो। कुछ महीनों के बाद आप 1,980 यानी कि $1,980 में गुजारा करना सीख जाओगे। आप चाहे तो और ज्यादा सेविंग करने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को चैलेंज कीजिए कि आप $40 मंथली सेव करेंगे, और सेविंग का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ा करके मंथली $200 कर लेंगे, और फिर आप देखेंगे कि 2 साल बाद आपके अकाउंट में $2,400 पैसे की सेविंग होगी। तो इस सिचुएशन में अब आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। तो इस बढ़िया सी सेविंग वाली हैबिट के साथ अब बात करते हैं उन आदतों के बारे में जो आपको जल्दी प्रमोशन और ज्यादा पैसा दिलाएगी। यानी कि हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, और फिर वही काम कीजिए जो करने के लिए आपने जन्म लिया है। अगर आपको भी अपना काम प्यारा है तो आप ज्यादा अर्निंग भी करेंगे और आपकी तरक्की भी होगी। ये काफी सिंपल सा फॉर्मूला है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो काम आप कर रहे हो या जो आपका करियर है वो आपके लिए सही है या नहीं। जैसे कि विक्टर फ्रैंकल मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक के राइटर है, और विक्टर मानते हैं कि 4 टाइप की जॉब्स होती है। पहली जॉब जो सीखने में भी हार्ड होती है और करने में भी। अब जैसे कि बुक कीपिंग या अकाउंटिंग को ही ले लीजिए, अगर आपको कैलकुलेशन यानी हिसाब किताब रखना या लिस्ट वगैरह बनाना जरा भी पसंद नहीं है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको इस काम में मजा नहीं आएगा। दूसरी जॉब है जो सीखने में मुश्किल है पर करने में आसान, जैसे कि एयरप्लेन उड़ाना या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना। सबको पता है कि ये काफी टेक्निकल नॉलेज वाला काम है और सीखने में मुश्किल भी है, पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो ये आपको एकदम एफर्टलेस लगेगा। तीसरी जॉब वो है जो सीखने में तो इजी है पर करने में मुश्किल, जैसे कि लकड़ी काटना या गड्ढे खोदने का काम। इसके लिए तो आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, वरना आपसे ये काम नहीं होगा। और आगे नंबर 4 पर जो जॉब है वो है सीखने में इजी और करने में भी। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बेशक जो काम आपके नेचुरल टैलेंट और स्किल से मैच करेगा वही जॉब आपको इजी लगेगी, और उसी काम में आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि हर इंसान एक यूनिक टैलेंट लेकर के पैदा होता है। हम सबके अंदर
कोई ना कोई क्वालिटी होती है। बस हमें वही एक्टिविटी अच्छी लगती है जिसमें हम एंजॉय भी करते हैं और उसके एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। तो यही एक्टिविटी आपकी सोर्स ऑफ लिविंग बन जाए तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रायन ट्रेसी ने एक स्पेशल हैबिट डेवलप की जिससे उनकी जल्दी प्रमोशन हुई और ज्यादा कमाई भी हुई। ये हैबिट थी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना, ज्यादा जिम्मेदारियां लेना। ब्रायन एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे, उन्होंने छोटी पोजीशन से अपना करियर शुरू किया। उनका छोटा सा क्यूबिकल ऑफिस था जहां से वो अपना काम करते थे, पर ब्रायन इस पोजीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें एक बेचैनी फील होती थी। वो अपने मैनेजर के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में वो सिंपल काम से बोर हो जाते थे, इसीलिए उन्हें कोई चैलेंज वाला काम चाहिए था। मैनेजर उनकी तरफ देखने लगा और सिर हिलाकर के मुस्कुराया। उसने ब्रायन से बोला कि वो इस बारे में कुछ सोचेगा। और अगले कुछ दिनों तक ब्रायन को जब भी मौका मिलता वो मैनेजर से वही बात बोलते। फिर एक दिन मैनेजर ने उन्हें बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हालांकि मैनेजर ने उन्हें जो काम बोला था वो ब्रायन के जॉब प्रोफाइल का पार्ट नहीं था, फिर भी ब्रायन तुरंत उस काम में जुट गए। उन्होंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया और मैनेजर को टास्क सबमिट कर दिया। तो इस काम से मैनेजर काफी खुश हुआ। इसके बाद ब्रायन ने उनसे ऐसे और काम देने को बोला। फिर मैनेजर उन पर ट्रस्ट करके उन्हें और भी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क देने लगा और ब्रायन हमेशा बढ़िया से बढ़िया काम करके देने की कोशिश करते थे। तभी एक दिन मैनेजर के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया और उसने ब्रायन से पूछा कि तुम इस काम का चार्ज लेना चाहोगे। इससे पहले ब्रायन ने कभी भी इतना बड़ा टास्क हैंडल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। उसके बाद तो उनके पास एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते चले गए। सिर्फ एक साल के अंदर ब्रायन की प्रमोशन हो गई थी और ये सब हुआ उनकी एक बहुत ही अच्छी हैबिट की वजह से, यानी कि जिम्मेदारियां लेना, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। अब ब्रायन ट्रेसी के अंडर में 3 टीम्स काम करती थी। उन्हें एक बड़ा सा ऑफिस मिला जहां से बाहर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता था। उनकी इनकम डबल और ट्रिपल हो गई थी। ब्रायन अपनी कंपनी के गो टू गाय बन गए थे और अब वो एक बड़ा घर और मनपसंद कार ले सकते थे। तो इस तरीके से ब्रायन की और रिस्पॉन्सिबल बनने की हैबिट ने उन्हें इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस दिलाई थी। तो इस कहानी से सबक लेते हुए अब हम आगे बात करते हैं हैबिट्स ऑफ टॉप बिजनेस पीपल, यानी कि टॉप बिजनेस लोगों की हैबिट्स के बारे में। आइए इसे समझते हैं। क्लैरिटी बेस्ड हैबिट है जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए। आपको अपने मिशन या पर्पस को लेकर के एकदम क्लियर होना चाहिए। वो क्या चीज है जो आप अचीव करना चाहते हो, आप अपने कस्टमर्स को क्या देना चाहेंगे, आप अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हो। अगर आपके गोल्स क्लियर है तभी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। जिस एग्जाम्पल के लिए NT&T कंपनी का मिशन है ब्रिंग टेलीफोन सर्विस टू एवरी अमेरिकन। इस कंपनी का 100 सालों से यही मिशन चल रहा है और यही कंपनी की सक्सेस का सीक्रेट है। आप अपने बिजनेस में भी कोई गोल सेट कर सकते हो, जैसे अपने कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जिससे कि आपका प्रॉफिट हर साल करीब 15% तक इंक्रीज हो। आपको कितना प्रॉफिट कमाना है और कब कमाना है इसे लेकर आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए और इस तरीके से आप ऑफ ट्रैक भी नहीं होंगे। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं हैबिट्स ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी कि हाई इनकम, एक फुलफिलिंग जॉब, अच्छी सेहत, एक प्यारा सा परिवार जिसके साथ आप फुर्सत के ढेर सारे पल बिताए, और ये सब आपका हो सकता है। आपको एक के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर इफेक्टिव लोग कुछ ऐसी इफेक्टिव आदतों को अडॉप्ट करते हैं, कुछ ऐसी आदतों को अपनाते हैं जो उन्हें लाइफ के हर फील्ड का ऑलराउंडर बनाती है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी शानदार होती है। जिस एग्जांपल के लिए हम जॉनी को लेते हैं, जो ब्रायन ट्रेसी के एडवांस्ड कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम में एक क्लाइंट है। ब्रायन ने जॉनी और अपने हर क्लाइंट से प्रॉमिस किया है कि वो लोग लाइफ में डबल अर्निंग के साथ डबल एंजॉयमेंट भी करेंगे। जॉनी को पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपकी इनकम डबल कैसे होगी अगर आप काम के बजाय घर में बैठ करके मजे करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो जॉनी एक फाइनेंशियल कंपनी में जॉब करती है। मंडे से लेकर के सैटरडे तक वो डेली 12 घंटे ऑफिस में काम करती है। इस वजह से उसके पास अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के लिए टाइम ही नहीं होता।
उसे हर टाइम स्ट्रेस फील होता था। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसका सलूशन क्या है, समाधान क्या है। जब उसने ब्रायन से ये सारी बातें डिस्कस की तो सबसे पहले ब्रायन ने उसे एक लिस्ट बनाने को कहा। ये उन कामों की लिस्ट थी जो जॉनी को एक महीने के अंदर करने थे। उसकी लिस्ट में टोटल 16 यानी कि 16 टास्क थे। ब्रायन ने उसे पूछा कि इस लिस्ट में ऐसा कौन सा काम है जो तुम सारा दिन करो तो तुम्हारी कंपनी को बड़ा फायदा देगा। जॉनी ने एक बड़े इम्पोर्टेंट टास्क पर उंगली रखी और उसके बाद ब्रायन ने उसे टास्क नंबर 2 और 3 बताने को बोला। तो जॉनी ने लिस्ट में से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क बता दिए। उस लिस्ट को देखे बगैर ही ब्रायन ने कहा कि ये तीनों टास्क तुम्हारी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब था कि बाकी के 13 टास्क यानी कि 10% काम ऐसे थे जो इररिलेवेंट यानी फिजूल के थे, लेकिन जॉनी उन्हें कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही थी और इस वजह से वो अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इन कामों को वो दूसरों से भी करवा सकती थी। जॉनी ने ब्रायन की बात पर गौर किया और उसे लगा कि वो सही बोल रहा है। फिर उसने अपने बॉस के पास जाकर के उससे हेल्प करने को बोला। जॉनी ने उसे बोला कि अगर वो अपनी जॉब से रिलेटेड उन 3 टास्क पर मैक्सिमम फोकस करे तो काफी इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकता है। अब ये कन्फेशन करने के बाद बॉस उसकी बात मान गया और अब जॉनी अपने काम में पहले से बेहतर रिजल्ट देती है। उसने अपने 3 टास्क बहुत ही शानदार तरीके से पूरे किए। 2 महीने बाद उसका ऑफिस टाइम भी चेंज हो गया। अब वो नॉर्मल 8 घंटे काम करती है, वो भी बस मंडे से फ्राइडे। तो ब्रायन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिखाया। जॉनी की इनकम भी डबल हुई और उसके पास फैमिली के लिए अब ज्यादा टाइम भी है। वो अपने बच्चों और पति के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करती है जो कि उसे बड़ा ही सुकून देता है। तो इस प्यारी सी कहानी की लर्निंग के साथ अब आगे बात करते हैं दूसरों के साथ बनाकर रखने की आदत। तो अब ये करना कैसे है और इसका फायदा क्या है, आइए जानते हैं। 3 ऐसी ग्रेट हैबिट्स है जिनसे आपके सारे रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकते हैं, सुधर सकते हैं। पहली आदत है एक्सेप्टेंस यानी कि दूसरों को स्वीकार करना। खासकर पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चों के लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जैसे हैं वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करना सीखिए। उन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो, उनकी कमजोरियों को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। वो जैसे हैं वैसे ही आप उन्हें प्यार करना सीखो। प्यार में कोई शर्त नहीं होती। आप जिसे चाहते हो उसे उसकी खूबियों और कमियों के साथ प्यार करो। एक्सेप्टेंस शो कराने का एक सिंपल सा तरीका है आपकी स्माइल। जो लोग आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है उन्हें जब भी देखो तो मुस्कुरा के देखो। उन्हें फील कराओ कि आप उन्हें देख करके खुश हो। एक अच्छी रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड यानी एहसान मंद या शुक्रगुजार होना काफी जरूरी होता है। इसीलिए अपनी फैमिली और दोस्तों को थैंक यू बोलना ना भूले। अपने हर दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको अच्छी सेहत दी है, आपके पास एक जॉब है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है और आपकी फैमिली सुरक्षित है। अपने पार्टनर को थैंक यू कहिए जो वो आपका ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों को भी थैंक यू बोलिए जब वो अपना होमवर्क करते हैं। हर उस इंसान को थैंक यू बोलिए जो आपको किसी न किसी तरह से मदद करते हैं। तीसरी हैबिट है तारीफ करना यानी कॉम्प्लीमेंट देना। जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ सुनकर लोग ना सिर्फ पॉजिटिव फील करते हैं बल्कि और भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसका इफेक्ट कुछ बूमरिंग जैसा है। आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो तो आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी लौट कर आती है। लोगों के काम की या उनकी खास क्वालिटी की तारीफ कीजिए। अगर कोई हार्ड वर्किंग है या टाइम का पंक्चुअल है तो उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। किसी की कार आपको अच्छी लगी या उनके कपड़े आपको पसंद आए तो तारीफ कीजिए। तारीफ करने से आप दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाते हैं और फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करना इजी हो जाता है। लेकिन तारीफ हमेशा सलीके से कीजिए, उन्हें ऐसा लगे कि आप सच में उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक बार इसे अपनी हैबिट बना के देखो, फिर आप रोज पॉजिटिव फील करोगे। तो इन 3 पावरफुल हैबिट्स के बारे में जानने के बाद अब आगे बात करते हैं द हैबिट्स फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि क्या आप भी स्लिम होना चाहते हैं? एक हेल्दी और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद है। हर कोई चाहेगा कि उसके पास एक हेल्दी बॉडी हो जो हर बीमारी से दूर हो। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल एडवाइस देते हैं। उन्होंने 3 वाइट जहर के नाम बताए हैं जिनसे हमें दूर रहना है। ये है शुगर, सॉल्ट और मैदा। जैसे कि जॉन फ्लोरिडा के एक ऑफिस में काम करता है, वो ब्रायन ट्रेसी का फैन है।
एक दिन उसने ब्रायन को एक लेटर लिखा और बताया कि वो कई सालों से उनके ऑडियो लेक्चर सुनता आ रहा है। उसने ब्रायन की सारी एडवाइस अप्लाई की, जिसकी वजह से आज उसकी लाइफ इतनी अच्छी है। वो बैगर से अमीर आदमी बना है। जॉन 10 सालों की मेहनत के बाद अपनी कंपनी में एक टॉप मैनेजर बना है। हालांकि वो ब्रायन से अपनी एक प्रॉब्लम का सलूशन चाहता है। दरअसल जॉन ओवरवेट है, काफी ज्यादा उसका वजन है। उसने काफी तरह की डाइट को ट्राई करके देखा मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उसने ब्रायन के ऑडियो लेक्चर से 3 व्हाइट पॉइजन के बारे में सुना। उसने इन्हें स्टडी किया और जो भी गाइडलाइन दे रखी थी उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 महीनों के अंदर उसने 20 पाउंड वेट लूज किया। जॉन अब पहले से ज्यादा स्लिम ट्रिम और एक्टिव हो गया। उसका सेल्फ एस्टीम भी हाई रहता है। वो इतना फिट हो गया है कि उसे अपना पूरा वार्डरोब ही चेंज करना पड़ा। जब से उसने अपनी डाइट से शुगर, सॉल्ट और मैदा को हटाया, तब से उसकी बॉडी और लाइफ में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। अगर फिट बॉडी चाहिए तो हमें हर तरह के प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड और जंक से दूर रहना चाहिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड में शुगर और सॉल्ट काफी हाई लेवल में होते हैं, जो हमारी बॉडी और हमारे माइंड के लिए नुकसानदायी होते हैं, हार्मफुल होते हैं। बॉडी पर उनका काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक और मीठे से भी जितना हो सके परहेज करना चाहिए। ब्रेड और पेस्ट्रीज मैदे से बनती है, जिसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होता है, जबकि होल ग्रेन्स हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। तो अपनी डाइट में खूब सारी सब्जियां और फलों को शामिल कीजिए। बीन्स और दालें भी आप ज्यादा से ज्यादा खाइए। आपकी आधी से ज्यादा बीमारियों का इलाज एक अच्छी डाइट में छुपा है। हेल्दी डाइट लेने से आप हार्ट अटैक, मोटापे और कैंसर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इस बहुत ही बढ़िया सी एडवाइस के साथ अब आगे बात करते हैं कैरेक्टर और लीडरशिप की हैबिट्स के बारे में। तो इसे समझने के लिए एक सवाल है कि आप लोगों को किस रूप में याद आना चाहेंगे। आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे, ये डिपेंड करता है आपके आज के कैरेक्टर पर। जब आप इस दुनिया से जाओ तो लोग आपके बारे में अच्छा बोले और अच्छा सोचे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आज के बिहेवियर पर ध्यान दें। इसीलिए जितनी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो करो, जितना आप अच्छे रिश्ते बना सकते हो बना लो। अल्फ्रेड नोबेल नोबेल प्राइज के फाउंडर थे। काफी टाइम पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। उनके भाई की डेथ हो गई थी। स्टॉकहोम न्यूज़पेपर ने एक गलती कर दी थी। उन्होंने अल्फ्रेड के भाई के बजाय अल्फ्रेड का नाम छाप दिया था और बहुत से लोगों ने सोचा कि अल्फ्रेड मर गए हैं। वो एक केमिस्ट और एक इन्वेंटर थे। उन्होंने डायनामाइट क्रिएट किया था। और इतना ही नहीं, उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था अल्फ्रेड नोबेल एक इन्वेंटर थे जिन्होंने गन पाउडर बनाया था और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वॉर हुई और कई लोग मारे गए। न्यूज़पेपर वालों की ये गलती अल्फ्रेड के लिए एक वेकअप पॉइंट बन गई। तब उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि लोग हमेशा उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर याद करेंगे जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई। लेकिन अल्फ्रेड नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एक विलेन के रूप में याद रखे। और उस दिन के बाद से उन्होंने अच्छे काम करने शुरू कर दिए ताकि जब उनकी डेथ हो तो लोग उनकी अच्छाइयों को याद करें। अपने सक्सेसफुल करियर में अल्फ्रेड ने काफी पैसा कमाया। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उन्होंने नोबेल प्राइज एस्टेब्लिश किया। हर साल नोबेल प्राइज के लिए किसी ऐसे इंसान को लिया जाता है जिसने वर्ल्ड पीस, लिटरेचर या साइंस के फील्ड में कुछ बड़ा काम किया हो। नोबेल प्राइज विनर को प्राइज मनी के साथ काफी इज्जत और शोहरत भी मिलती है। एक न्यूज़पेपर की गलती से अल्फ्रेड नोबेल को एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला। आज भी उनकी लेगेसी चली आ रही है जिसे पूरी दुनिया जानती है। एक और अच्छी आदत है सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ना। इनसे आप काफी कुछ सीख सकते हो। आपको पता चलेगा कि इन महान लोगों ने कैसे अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव किया और कैसे अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बने। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरीज आपको काफी मोटिवेट करेगी। रीडिंग की हैबिट हमारी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस लाती है। किताबों से हमें वो वैल्यू सीखने को मिलती है जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में होती है। तो इस समरी में अब तक आपने जो कुछ भी सीखा, जो भी जाना, अगर इसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आप भी इन लोगों की तरह सक्सेसफुल बन जाएंगे और अपना मिलेनियर ड्रीम पूरा करेंगे। और इसी के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। आपने इस समरी में पावर ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ा, यानी कि थॉट्स की पावर के बारे में। आपने समरी से ये भी सीखा कि हैबिट्स हमारी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट होती है।
आपको हमने उन आदतों के बारे में भी बताया जो आपको मिलेनियर बनने में मदद कर सकती है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ फाइनेंशियल यानी पैसे से ही अमीर नहीं होते, बल्कि उनके पास अच्छी हेल्थ होती है, एक प्यारी सी फैमिली लाइफ और मजबूत दोस्ती के रिश्ते होते हैं, और उनके पास एक फुलफिलिंग करियर होता है जो उन्हें सेटिस्फेक्शन देता है। इस समरी में आपने उन सभी हैबिट्स के बारे में जाना है जो आपकी लाइफ के हर फील्ड यानी हर हिस्से को इम्प्रूव कर सकती है। तो अब टाइम आ चुका है लाइफ में उन चीजों को अप्लाई करने का जो आपने इस समरी से जानी। टाइम आ गया है इन मिलियन डॉलर हैबिट्स को प्रैक्टिस करने का और इन्हें रिपीट करने का। वैसे शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी सबको होती है, पर एक बार हैबिट्स बन जाए तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं होगी, और ये हैबिट्स, ये आदतें आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगी, और तब तो आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप इन हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने मिलेनियर ड्रीम के एकदम और क्लोज आ जाते हो।